बिल्कुल, देखिए कैमरामैन मान आपको नांगलोई की तस्वीरें दिखाएंगे और आप नीचे देखिए, मैं इस वक्त फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हूं और नीचे की तस्वीरें देखिए, किसानों ने जो पुलिस के बैरिकेड से जिस तरीके से आगे का जो रूट था वो पुलिस ने बंद किया हुआ था, क्योंकि यहां नांगलोई से किसानों को राइट जाना था, राइट यानी कि नांगलोई, नांगलोई से नजफगढ़ और नजफगढ़ से झाड़ौदा कला होते हुए किसानों को वापस बहादुरगढ़ और फिर टीकरी पहुँचना था, लेकिन किसान जो थे वो यहीं पर नांगलोई के पास रुक गए। पुलिस ने यहाँ पर पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। जो तस्वीरों में आप बैरिकेड्स देख सकते हैं किस तरीके से जो बैरिकेड्स थे उन सभी बैरिकेड्स को यहाँ पर गिरा दिया गया है और जो सीमेंटेड ब्लॉक्स जो पुलिस ने लगाए थे उन ब्लॉक्स को भी जो किसान थे उन्होंने ब्लॉक्स को भी हटा दिया और आगे अब दिल्ली की तरफ जो किसान हैं वो बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी भी किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि जो रूट तय हुआ था उसी रूट पर चलें, लेकिन किसान बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है और जो किसान हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले किसानों ने पुलिस से बहस की, पुलिस ने काफ़ी समझाने की कोशिश की कि आप इस रूट से आगे नहीं जा सकते, ये रूट तय नहीं हुआ था, लेकिन किसान नहीं माने और पुलिस से बहस करने के बाद बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान आगे की तरफ बढ़ गए। हालांकि जो यहां से परेड का समय था वो 12 बजे था, लेकिन 8:30 बजे ही जो टीकरी बॉर्डर है वहाँ पर बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको मान जो है वो दिखा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, पहले जो रूट तय हुआ था उस रूट पर नहीं बढ़े, टीकरी बॉर्डर पे जो बैरिकेड्स थे उनको तोड़ दिया गया, उनको तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़े और नांगलोई से राइट साइड में नजफगढ़ की तरफ जाना था, लेकिन नजफगढ़ की तरफ ना बढ़ के किसान अब यहाँ नांगलोई में बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको साफ तौर पर नज़र आ रहे होंगे। जो भी पुलिस ने इंतज़ाम किए थे उन सभी इंतज़ामों को निस्तो नाबूद कर दिया है किसानों ने और अब आगे की तरफ आप देखिए किसान कोशिश कर रहे हैं कि आगे की तरफ बढ़ सकें, लेकिन अभी वहाँ देखिए पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की जो पीछे और ट्रैक्टर्स हैं वो आगे की तरफ ना बढ़ पाए, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस के साथ बातचीत हो रही है, उसके बावजूद भी जो किसान हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं और आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस के साथ जो बहस है वो लगातार किसानों की चल रही है। काफ़ी देर तक पुलिस ने कोशिश की कि किसान समझ जाएं, क्योंकि रूट ये तय नहीं हुआ था, रूट तय हुआ था नजफगढ़ जाने का, नजफगढ़ से आगे झड़ौदा कला, झड़ौदा कला से आगे बहादुरगढ़ होते हुए वापस किसानों को टीकरी बॉर्डर पर पहुंचना था, लेकिन किसान नहीं माने। जो किसान थे वो यहां नांगलोई पे आकर के अड़ गए और उनका ये साफ कहना था कि हम आगे दिल्ली यहीं से जाएंगे और जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तब किसान पुलिस के ऊपर हावी हो गए और हालत देखिए बैरिकेड्स जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने लगाए थे उन बैरिकेड्स को एक के ऊपर एक कर दिया गया है और इन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए तमाम जो अड़चने थी उनको हटाते हुए पुलिस ने एक ये सीमेंटेड ब्लॉक्स लगाए थे यहाँ पर ताकि जो ट्रैक्टर्स हैं वो ना निकल पाए, लेकिन इन सीमेंटेड ब्लॉक्स को भी किसानों ने तोड़ दिया। आप देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा इन ब्लॉक्स को भी हटा दिया गया और उसके बाद जो ट्रैक्टर्स थे वो आगे अंदर की तरफ ले गए हैं। कैमरामैन मान आपको इस तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने एक बड़ा ट्रॉला यहाँ पर लगाया था, आप देख सकते हैं एक बड़ा कंटेनर जिसमें जाते हैं वो यहाँ पर लगाया था, उसको तक किसानों ने पलट दिया देखिए और हाथों से ही पलट दिया। अब आगे की तरफ यहाँ देखिए, अब पुलिस नीचे सड़क पर यहाँ पर बैठ गई है। देखिए तस्वीरें आपको कैमरामैन मान दिखाएंगे कि जो पुलिस है वो सड़क पर बैठ गई है और पुलिस का ये कहना है कि अगर आपको आगे जाना है तो आप इनके ऊपर से जाएं। पुलिस नीचे ज़मीन पर बैठ गई है, तस्वीरें देखिए कैमरामैन मान आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस अब ज़मीन पर बैठ गई है और साफ तौर पर किसानों को कह दिया गया है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पुलिस के ऊपर से होकर बढ़ना पड़ेगा। ये देखिए तस्वीरें देखिए, अब पुलिस ज़मीन पर बैठ गई है यहाँ पर और किसानों को कुछ इस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो आगे ना बढ़ सके, क्योंकि काफ़ी देर तक पुलिस ने समझाया कि किसान आगे की तरफ ना बढ़े, लेकिन किसान मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब पुलिस जो है वो यहाँ पर जहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए थे वहीं पर पुलिस अब ज़मीन पर बैठ गई है और अब ये कोशिश की जा रही है कि जो रूट तय हुआ था, जिस रूट से किसानों को निकलना था, किसान उसी रूट से निकले। हालांकि कुछ किसान अभी भी यहीं पर खड़े हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं यहीं से जाने के लिए। जो कुछ किसान थे वो आगे की तरफ दिल्ली में बढ़ चुके हैं और आगे कई किलोमीटर लंबा इस रोड पर आप जाम देख सकते हैं। कैमरामैन मान आपको यहीं से दिखाएंगे कि कई किलोमीटर लंबा जो जाम है वो इस सड़क पर यहाँ पर लगा हुआ है। जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर रुकी हुई हैं, जो भी ट्रैक्टर्स थे वो यहाँ पर रुके हुए हैं और पुलिस की तमाम यही कोशिश है कि जो किसान हैं वो इस सड़क से
आगे की तरफ, यानी कि जो रास्ता तय हुआ था नांगलोई, वहाँ से नांगलोई जाएं, नांगलोई से नजफगढ़, नजफगढ़ से झड़ौदा कला और झड़ौदा कला से बहादुरगढ़ होते हुए वापस टीकरी पहुँचे। तो अब पुलिस जो है यहाँ बीच में ही बैठ गई है ताकि किसान अब आगे की तरफ से ना बढ़ पाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर, इन किसानों को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है पुलिस। और तय वक्त से पहले ही जो ट्रैक्टर परेड है वो यहाँ पर शुरू हो गई थी। दरअसल आपको बताना चाहूँगा कि जो समय था वो 12 बजे का निर्धारित हुआ था कि 12 बजे जो है ट्रैक्टर परेड निकलेगी, लेकिन सुबह 8:30 बजे के करीब ही किसानों ने जो बैरिकेड्स थे टीकरी बॉर्डर पर, उन बैरिकेड्स को तोड़ा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।